यो भाई रिमूव हो गई यूट्यूब से। सुबह हुआ बात करेंगे जो भी होगा। कैरी भी परेशान है यार, हम भी परेशान हैं। देखते हैं भाई क्या होता है। वीडियो मुझे लगता नहीं वापस आएगी। गैसू रूट स्नैपर इन द हाउस और गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे टिकटॉक की रनिया चुदने पर तमाशा करती हैं। तो भाई कैरी ने जो वीडियो बनाई थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे, जो कि भाई इंडिया की मोस्ट लाइक वीडियो बन चुकी थी, जिससे कि पूरे टिकटॉक की आंड गांड ब्रह्मांड सब फट चुकी थी। तो भाई उसको करवा दिया गया है रिमूव। कैरी ने जो वीडियो डाली थी उसके लिंक पे जब तुम जाओगे तो वहां पे लिखा आएगा कि दिस वीडियो हैज बीन रिमूव्ड फॉर वायलेटिंग यूट्यूब पॉलिसीज ऑन हैरेसमेंट एंड बुलिंग। और यार सबको पता है कि ये वीडियो कहीं से भी यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं थी, उनको वॉयलेट नहीं कर रही थी। तो भाई ऑब्वियसली ये काम करवाया भाई टिकटॉक की रंडियों ने, जिनको भाई पटक पटक के चोदा था कैरी ने अपनी वीडियो में। उन्होंने भाई पैसे दे के या फिर भाई कैसे भी वीडियो को रिपोर्ट करवा के इस वीडियो को रिमूव करवाया है, क्योंकि भाई कोई मतलब नहीं था वीडियो का ऐसा रिमूव होना। इतने दिनों के बाद, इतने व्यूज आने के बाद साफ सीधा पता चल रहा है कि भाई ये करवाया गया है जानबूझ के टिकटॉकर्स के द्वारा, लाइक जो भी इसमें इन्वॉल्व थे। और अभी कैरी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। बाकी रफ्तार भाई ने इस मैटर को लेकर इंस्टा पे स्टोरी डाली, जिसमें कि उन्होंने लिखा कि भाभी देवर के नाम पे हजारों वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पे और भी गंद भरी पड़ी है, जो कि रात को ट्रेंडिंग पे भी होती है। ये सब यूट्यूब गाइडलाइंस को वॉयलेट नहीं करती है कि ऐसा उन्होंने पूछा। और भाई इन द एंड लिखा कि कैरी विनाटी फॉर लाइफ। एंड इवन गरीब ने भी अपनी इंस्टा पे स्टोरी डाली, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हैशटैग जस्टिस फॉर कैरी, इसको भाई ट्वीट करो यूट्यूब इंडिया को टैग करके, ताकि भाई जल्दी से जल्दी कैरी मिनाटी की वीडियो वापस आ सके। बहनचो समझ नहीं आता, यूट्यूब पहले तो खुद बहनचो चुदम चुदाई वाली वीडियोस के एड्स चलाता है और फिर बहनचो कंटेंट क्रिएटर्स को गाइडलाइन सिखाता है। भाई मतलब क्या चल रहा है भाई ये। और यार सिर्फ कैरी की ही नहीं, लक्ष्य चौधरी की दो वीडियोस, एल्विस यादव की वीडियो, सबकी वीडियोस डाउन करवाई गई है और उनको कम्युनिटी गाइडलाइंस की वार्निंग भी मिली है। इसको लेके लक्ष्य चौधरी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पे बात की, तुम खुद देखो उन्होंने क्या बोला। यो भाई रिमूव हो गई यूट्यूब से। सुबह हुआ बात करेंगे जो भी होगा। कैरी भी परेशान है यार, हम भी परेशान हैं। देखते हैं भाई क्या होता है। वीडियो मुझे लगता नहीं वापस आएगी। कुछ इनका कोर्ट वोट के सीन के थ्रू हुआ शायद, जो भी हुआ ठीक है यार। अभी चैनल का यार रिस्क तो जो है, मेरे को और किसी चीज़ का डर नहीं रहता, ठीक है अभी। लेकिन शायद कम्युनिटी की वार्निंग ही आई है, स्ट्राइक नहीं आई, और फिर बनाएंगे यार कुछ और नई वीडियो में। इसलिए यार ये चीज़ को इतना खींचता नहीं। और भाई मेरे से अब उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ रिलीजन बेस पे पॉलिटिकल या कुछ ऐसा बोलूँगा। अब से ओनली नॉर्मी कॉमेडी बस। और यार इसके बाद एल्विस ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पे इसको लेके बात की। मेरे को बहुत बेकार लगती है जब झेला नहीं जाता, पब्लिक अपने उस पे आ जाती है कि रिमूव करवा रहे। भाई रिमूव करवाने तुम्हारा पूरा चैनल रिमूव करवा दूंगा, पर ऐसा अच्छे थोड़ी लगा किसी की वीडियो रिमूव करवा रहे हो, मेरी वीडियो रिमूव करवा रहे हो। देखते हैं अभी, देखो भाई जो भाई मेरे मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी वीडियो डिलीट हो गई, तुमने डिलीट कर दी। भाई मैं क्यों करूँगा डिलीट यार, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, यूट्यूब का पता नहीं क्या सिस्टम चल रखा है, कम्युनिटी गाइडलाइन, साइबर बुलिंग, मैं देख रहा हूँ अभी मैटर कुछ होता है तो मैं अपडेट करता हूँ। भाई एक चीज़ थी जो आज सही प्रूव होगी, इनकी ना हाय बहुत जल्दी लगती हैं, समझ गए गाइस। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, लूट लिया, अब तो बहन जो आगे क्या ही बोले। अबे ये पहले तो बड़े बोले थे कि भाई सपोर्टिंगली लेना, हम भी सपोर्टिंगली ले लें, अब क्या सपोर्ट गांड में घुस गया तुम्हारे जो रिमूव करवाते फिर रहे हो। और सही में यार ये हरकत करके ना इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई हाँ ये छक्के ही है। और भाई इनकी गांड और मारेंगे, लेकिन अभी उससे पहले यार अपन सब इस